तो मेरे परिवार का हालात ने देखता देख मैं समझी कि ये टाइम पर अपने के लिए मुमकिन को नहीं हो सपना अपन का यही ही कि रोजी ना के वो कट्ठे घूमे हैं इन आवे है इन जाए कोई मतलब को नया। तो ये मुखर्जी नगर को और ये को यूपीएससी को कोई कनेक्शन है? यही कहें कि एग्जाम है जो बहुत बड़ो इक्वलाइजर है। जिस दिन आप यूपीएससी का पेपर में जाके बैठा ना सब बराबर हो जाएंगे। पर हमेशा मैंने यही सिखाई कि एक हाथ कट जा तो बन देख जगह दोनों हाथ कट रहे हैं कि मैं हो जाओ उम्मीद नहीं छोड़नी हौसलों नहीं हारनो लागे रहो। सब बड़ी बात है कोई ने भी कौन बेरो कि मैं के कर रहा हूँ भी कौन बेरो ना। लोग सोशल मीडिया बक हैं कि भाई सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है, जबकि मेरा काम ऐसा था कि मेरे को हर टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता था। गांव में भी पहले लोग कहते थे कि आपका बेटा बन सकता है, इस लाइन को कोई नहीं जानता गांव में। गांव में जानता है कोई अधिकारी बने कोई नाम करे। राम राम। मैं दिलराज सिंह झलको झुंझुनू में थारो स्वागत है। आज आप आएडा झुंझुनू के लोयल गाँव के अंदर, और लोयल गाँव के अंदर अपने सरजीत जी है, यूपीएससी की परीक्षा पास करी है और आईपीएस की रैंक पर आज आया है। बिग पीछे की साबू है कामयाब हुआ आपको सफर किया को हो बिग बारा में आपा हूँ बात कर छा। राम राम जी। राम राम साहब। राम राम। झलको झुंझुनू की तरफ हूँ आपने बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत बधाई है आईपीएस बनवा के कुछ पूरी टीम झलको झुंझुनू का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। तो आपको सफर खटों चालू हो यूपीएससी के लिए के एक मायने परेशानी ही? देखो सफ़र तो यूपीएससी को जो है बहुत पुराना हो बचपन को ही हो, तो कॉलेज करें बाद में मैंने यह लागू कि दिल्ली में रहनो रह के और तैयारी कर पाऊँ बट टाइम पर 2010-11 में बाद में मकान किराए पर लेके रहनो और भी बहुत सारे बहुत। तो मेरे परिवार का हालात ने देखता देख मैं यह समझी कि ये टाइम पर अपने के लिए मुमकिन को नहीं हो सपना। तो मैं सोची कि क्यों ना आप अपने पगह पर खड़े हों पहले फाइनेंशियल रूप, तो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में चल गूँ। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में बहुत पूरा ऑल इंडिया में घूम घूम के कई 8-10 डॉक्यूमेंट्रीज पर काम करे हो जम्मू, कई नेशनल अवार्ड भी मिला डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ साथ गई अच्छा पॉलिटिकल कैंपेनिंग मीडिया कम्युनिकेशन ब्रांडिंग पीआर इस तरह की फील्ड में मैंने अपने स्किल्स ने मजबूत कराया और मैं चल गो बढ़िया एकदम जिंदगी मैं संतुष्ट हूँ मेरे मतलब करियर हूँ। बट गाँव जब भी आऊँ तो जब गाँव कहाँ के यही रहती कि तू कि भी कर ले तो मतलब लोगों ने आस ही कि सुरजीत जखा भी मुकाम पर है वो बक लिए कम है। हाँ नजरिए को फ़र्क है कई यहाँ के लिए बातचीत ज़्यादा मायने ही जरे मेरी बाही मेरा हिसाब हूँ सब कुछ कर रहे हो बट आपने ग्रामीण परिवेश के लिए यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईपीएस बनो या अधिकारी बनो सब बहुत बड़ी बात है उनके लिए तो सब कुछ ही होगी। अपन का यही ही कि रोजिना के वो कट्ठे घूमे हैं इन आवे है इन जाए कोई मतलब को नया ठीक है पीछा पीछो दिल्ली कमा रहे होते बट कोई मतलब को नया जिंदगी में घर जब भी आऊँ तो एक तो घर कानूर गाँव में परिवार ने समझाना मुश्किल कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के हुआ है कम्युनिकेशन के हुआ है ब्रांडिंग के हुआ है कैंपेनिंग के हुआ है तो बनकर कोई पल्ले कौन पड़ती। दूसरी है कि तू किमी कर ले तो यही ही तो सबका विश्वास ने मोहर पर के देख लिया के जा है बहने वाले 2-3 साल में देख लिया अगर ठीक हो जाओ तो नहीं कम को मन ने तसली हो जाएगी। तो यूपीएससी के नाम पर लेवा ना तैयारी करवा के नाम पर लेवा सौ पहली लेवा दिल्ली को मुखर्जी नगर याद आवे तो ये मुखर्जी नगर को और ये को यूपीएससी को कोई कनेक्शन है बठई जार बन सके या फिर गांव में रेर भी बन सके? यूपीएससी एक है कि एग्ज़ाम है मेरे नज़रिए हूँ मैं कोई गणो एक्सपर्ट को नहीं टॉपिक पर मैं 1.5-2 साल में खुद के कमरे में बैठ के तैयारी करी है न मैं कोई उन्हें ज़्यादा मेरा जानकार यूपीएससी सर्कल में न मेरा कोई सर्कल बस इंटरव्यू देने में दिल्ली गए हो मॉक इंटरव्यू की तैयारी करके। तो यह एक है कि एग्ज़ाम है जो बहुत बड़ो इक्वलाइजर है। जिस दिन आप यूपीएससी का पेपर में जाके बैठा ना सब बराबर हो जाएंगे। ये वो पेपर को डिज़ाइन पेपर को हिसाब किताब आया को है कि चाहे तारा गामू बैठ के तैयारी कर लो चाहे तारा छोटे कस्बों में बैठ के तैयारी कर लो चाहे दिल्ली में बैठ के तैयारी कर लो न कोई ना डिसएडवांटेज न कोई ना एडवांटेज। और उसके दिल्ली जानी है थोड़ा जल्दी वो मिल जाए गाइडेंस कि भाई हाँ ये चीज़ करनी है लेकिन आज के डिजिटल दौर में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जहाँ कोई बात उनकी भाई बढ़े जाओगे तो ही होगा सब कुछ आपके कंप्यूटर पर अपने मोबाइल पर अपने कहना है तो बाध्यता है तो अपने दिमाग में है और कोई बाध्यता नहीं। तो प्रॉपर एज कोचिंग की कोई जरूरत को नहीं इसलिए दोनों बात है कई टावर कोचिंग भी चल रहे हैं कई टावर सेल्फ मोटिवेटेड हुए हैं। तो हमारे दर्शकों ने बताओ आपकी रैंक है आपने कायम मतलब कौन सी सर्विस का मायने जा रहे हो आप? मेरी 455वीं रैंक है अब की बार ये सेकेंड अटैम्प्ट हो मेरे तो मोस्ट प्रॉब्ली मन आईपीएस अलॉट होगी जी हाँ सेकेंड अटैम्प्ट हो आपको। फेलियर के बाद में पॉजिटिविटी खटाऊँ आवे और क्या सीख बन मिलो कि ये फेलियर हूँ मैंने वही चीज़ सीख बन मिली है और इस चीज़ में मैंने इम्प्रूवमेंट करना है? देखो पॉजिटिविटी स्पिरिचुअल और लेवल फिलोसफिकल लेवल पर तो बात बहुत अलग है। मैं तो ब्लेसड रही हूँ कि मेरे पिताजी हूँ मेरे आनुवंशिक रूप हूँ जेनेटिक रूप में पॉजिटिविटी आई है पर हमेशा मैंने यही सिखाई कि एक हाथ कट जा तो बन देख जगह दोनों हाथ कट रहे हैं खुश है तो बा मेरे आनुवंशिक रूप ही है कि जिंदगी में किमें हो जाओ उम्मीद नहीं छोड़नी हौसलों नहीं हारनो लागे रहो जी। अब आईपीएस का पद पर आगा अब थे कप्तान होगा
तो वो सीन तो कोनी हो गया अब भूल के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी कुछ यान को जी कई यूपीएससी में जावे के कुछ दिल टूट जाए कई यान को मामलो भी हो जावे नहीं नहीं आया को तो कोई वो हो को नहीं लेकिन ये होगी बहुत ही खास दोस्त है मेरा जना वो करियो खास दोस्त मेरी भावना बाकी वजह बाकी सपोर्ट की वजह जन यो मोटिवेट करियो कि नहीं तू यो कर्स का है यो तो कर्स का जो सपनों में छोड़ चुके हो तो बस अपने वापस जिंदो करियो एकदम मेरे साथ खड़ी रही तो बाकी वजह आज यो वापस सपनों जिंदो हो और बाकी घर का को तो हमेशा पूरे परिवार को ही छोटे भाई को चाचा चाची दादा दादी सबको हुई जी हाँ यूपीएससी की तैयारी कर बाद में सिलेक्शन हुआ है जना आपा कोई भी कैंडिडेट ने पूछा ना सौ पहले भी पूछा कि कत्ता घंटा पढ़ाना बोको 16 घंटा 18 घंटा 1 महीने का ही सच्चाई है घंटा को तो मैं नाप के कदे करियो गुने बट यह है कि कंटिन्यूटी रखनी जरूरी है तो घंटा तो आपकी कैपेसिटी पर रह जाए तो मैं तो साथ साथ काम कर रहे हो तो मेरा कोई फिक्स गुने हा मन काम भी करना हो मन पढ़ाई भी करनी है सोशल लाइफ ने किया मैनेज करियो एक तरीका क्योंकि इंडिया की सो बड़ी एग्जाम है इन पार पाणो है जना सोशल लाइफ कटनो पड़सी तो यहाँ को कुछ हो सोशल लाइफ कटनो तो देखो इस स्टेज पर मेरे लिए मुश्किल हो क्योंकि मैं कोई ने बता कौन रखी सो बड़ी बात है कोई ने भी कौन बेरो कि मैं के कर रहा हूँ घर का भी कौन बेरो ना बिल्कुल कोई नहीं गुन बेरो बनने में यही बता रहा है कि मैं कोई मीडिया की फेलोशिप की तैयारी कर रहा हूँ बाहर न जान के लिए लोग सोशल मीडिया बक हैं कि भाई सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है जबकि मेरा काम ऐसा था कि मेरे को हर टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता था सुपर एक्टिव कि मतलब पूरे देश की खोज खबर अगर आपके पास नहीं है तो आपका काम रुक जाएगा लेकिन ये होगी बिल्कुल मैं पॉजिटिव इस्तेमाल करना सीखो खुद ने लिमिट करो कि इतना मन काम है इतना ही करूँगा मैं तो आपने साथ में सुरजीत जी का पिताजी और आऊँ भी आप बात कर सा शोक लग रहे हो ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इससे तो, अच्छा तो मेरे को जिंदगी में कभी अनुभव नहीं हुआ जी हाँ वो बोले अगर टाबर हुए बाक उसी फेरिया लगे के टाबर सेट हो जा बाक उसी अजी सेट होने वाली कुछ है टाबर हुए तो सह गए जी हाँ थे किसान परिवार हूँ जुड़े डाओ किसान ही खेती करी थे पार्ट टाइम जी हाँ बता रहे बार के ड्राइविंग भी करता है ना किसान खेती कराना ही सोचा क्या मैं पौधों तैयार करूँ वो आगे जा मन फल दे जना एक पौध आ तैयार हुई है का आज पूरा देश याद रख रहे हैं बिल्कुल है वो ज़्यादा खुशी कोई नहीं है ये मान लो कि उस खुशी का इजहार ही नहीं कर सकता जी हाँ आप देखा के गांव में अत्ता दिन आ क्या वो भाईयोगी को है ना थारो नाम लेता अब आज गांव की पहचान जिला की पहचान भी बक नाम हो रही है हाँ जी। एक बाप के लिए अब बात बहुत प्राउड की बात हुई है बिल्कुल साहब होनी चाहिए माँ बापों से कहता हूँ कि उनके लड़के और उनके बच्चे उनका नाम इतना रोशन करे कि वो सब खुश हैं मेरी तरह और उनका जीवन बढ़िया से चले समाज में यूथ है गलत भटक रही है गलत चाल चाल रही है कई आपका लक्ष्य क्यों भटक रहा है बन कोई क्यों कुछ संदेश आपको आज मैं तो एक हूँ माँ बाप इतनी कर सका है कि बनने खर्चो देश का बनने पढ़ास का है बनने सौकम देश का दिमाग उन देश का दिमाग तो वो खुद ही इस्तेमाल करेंगे और खुद ही अगर जब पढ़ेगा तो ही कामयाब होगा ये बता रहा है कि जी हाँ भाई तैयारी कर रहा तो आपने तो पता भी को नहीं हुई चीज़ को नहीं मेरे को पता भी नहीं था कॉलेज करने के बाद मैंने कहा कि भाई आप आईपीएस बनने के लायक हो आप तैयारी करो बोले मैं करता हूँ फिर उसने सोशल मीडिया में चला गया डॉक्यूमेंट्री बनाना लग गया मैं निराश हो गया क्योंकि मेरे को इच्छा थी कि मेरा बेटा बहुत होशियार था लोग गाँव में भी पहले लोग कहते थे कि आपका बेटा बन सकता है लेकिन यूँ यहाँ लगे कि शायद आ चीज़ है यूँ बटर भी बहुत कुछ है आगे लिए बिल्कुल हो वो डॉक्यूमेंट्री का तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहता मिलता भी नहीं था बात करता तो कहता मैं तो यहाँ फिल्म बना रहा हूँ मैं तो ये कर रहा हूँ मैं करो अरे यार इस लाइन को कोई नहीं जानता गांव में जानता है कोई अधिकारी बने कोई नाम करे उससे उसकी इज्जत बनती है तो अब आपकी पहचान होगी एक कप्तान के पिताजी के रूप में चलो बहुत बहुत धन्यवाद है जनता का सबका लोगों का भगवान का ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे बेटे ने मेरे का यहाँ तक नाम रोशन किया है मेहनत उनकी है हाँ बिल्कुल मेहनत उसी की है हमारा तो फर्ज था कि उसको बढ़ाना लिखाना लेकिन एक माँ बाप हुआ है बे एक बहुत बड़ी सीख हुआ है एक तरीका हूँ संभाल वो है निर्णय लेना है सही संगत को असर हुआ है हर चीज़ है बिन माँ बाप ही गाइड करे एक तरीका मैं फ्री माइंड का आदमी हूँ मैं ये नहीं कहता कि तू क्या कर रहा है कहाँ पढ़ रहा है क्या कर रहा है ये मैं ये कह सकता हूँ कि मैं खर्चा दे सकता हूँ आप पढ़ो कहीं भी पढ़ो लेकिन पढ़ो तो पहली बे कमाता हा फिर 3 साल तैयारी करी जना थे या कौन क्यों क्या आजकल कमाई करे कौन करे तू ये साबुन का ही है नहीं वो तो मेरे को उसकी सिचुएशन का पता था भाई बीच में कोरोना आ गया 2 साल पैसे कमाता था दिए भी थे मकान भी बनाए थे सब कुछ किया था अच्छा खासा काम चल रहा था पर लेकिन कोरोना में पता नहीं इसको दिमाग में क्या घुसी कि अपने को ये बनना है तो जलको टीम की तरफ हूँ आपने बहुत बहुत बधाई हो धन्यवाद जलको झुंडो को लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है ये जलको झुंडो के साथ में थे जुड़ा जी जो और यही प्यार बनाए डो राख जो और कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं आपको रिपोर्टर दिलराज सिंह राम राम जी।